नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा हेल्थ टिप्स लाए हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा ताकि इस वीडियो की एक एक जानकारी आप बढ़िया अच्छे तरीके से सुने और समझे और फॉलो करें। इसमें क्या है कि आज से ही आपको दृढ़ संकल्प होना है, आज से ही अपने अंदर पूरा ठान लेना है कि रात्रि का भोजन हमको आज से नहीं करना है। आप अपने जीवन में रात्रि का भोजन बंद कर दीजिए और देख लीजिए परिणाम इसका 2-4-5 दिनों में ही, कि आप अपने जीवन में कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि जो रात को भोजन हम करते हैं वो शरीर हमारा पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि रात में सोने के लिए भी हमको समय पर्याप्त समय चाहिए। तो रात को भोजन को पचाने में जो है ज्यादा एनर्जी लगता है शरीर को, और रात को शरीर जो है कमजोर होता है। सुबह में जितना ताजगी रहता है, सुबह में जितना शक्तिशाली मेरा शरीर रहता है, उतना रात को नहीं रहता है। रात को इसलिए रात को भोजन जो है बिल्कुल स्किप कीजिए। अगर रात को भोजन की आवश्यकता है ही, बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो रात को भोजन अगर नहीं कर पाए तो हमसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होगा। रात को जो भी भोजन करना है आप शाम को 6 से पहले कर लीजिए, हल्का सुपाच्य भोजन, जिससे कि हमको हमारे पेट को ज्यादा उसमें एनर्जी ना लगाना पड़े उसको पचाने दें। क्योंकि रात में अगर गरिष्ठ भोजन आप करेंगे तो उसमें से भोजन की कुछ मात्रा बचेगी और बाकी पेट में पड़ी रहेगी जो सड़ जाएगी अंदर, जिससे कि हमको कब्ज भी रहेगी शिकायत और गैस्ट्रिक होना ही है। और विशेषकर उन लोगों से जिनको शुगर है, बीपी है, मोटापा है, थायराइड है, रात का भोजन अगर स्किप कर देंगे तो आप 2-4-5 दिनों में ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। और उसी में कितने ऐसे भाई मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर अगर रात को भोजन नहीं करेंगे तो कुछ आप टिप्स बताइए कि किस टाइम कैसे भोजन करें। तो उन लोगों के लिए क्या है कि सुबह का दिन चल जाए, आप अगर सुबह में आप चाय टी लेते हैं तो कुछ फल फ्रूट या बिस्किट वगैरह लेने के बाद ही चाय ले। अगर चाय को आप अपने लाइफ से स्किप कर दें तब तो बड़ी खुशी की बात है। अब रह गई बात सुबह के भोजन की, तो 8 से 9 के बीच आप जितना भोजन हो, आप जितना भोजन, जितना भूख आपको लगी है उतना आप भोजन कीजिए। सुबह 8 से 9 के बीच जितना अधिक भोजन कीजिए आप, सलाद की मात्रा जरूर रखिए। दोपहर के भोजन में आप क्वांटिटी घटा दीजिए। दोपहर के भोजन में आप जो सुबह में भोजन किए हैं उससे कम मात्रा में भोजन कीजिए। और रात का भोजन तो आपको स्किप कर देना है। रात का भोजन जो भी है, अगर थोड़ा बहुत खाना भी है तो शाम को 6 से पहले ही, 6 से पहले आपको हल्का भोजन, कभी भुजा, कभी दलिया या मूंग के दाल की खिचड़ी, या अगर ज्यादा भूख है तो 1-2 चपाती ले सकते हैं। शाम को 6 से पहले लीजिए। कम से कम भोजन रात को सोने से और भोजन का अंतराल कम से कम 4 घंटे का रखिए।
ताकि वो भोजन मेरा शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। तब आप देखिएगा कि जिस दिन आप रात को गरिष्ठ भोजन करेंगे, रात को आप काफी बेचैन महसूस करेंगे, रात को सही से नींद नहीं आएगी आपको, आप कभी इधर करवट बदलेंगे। इसलिए आप रात का भोजन को स्किप कीजिए। तो आप आज से ही इस डाइट को फॉलो कीजिए और देखिए, यकीन मानिए, कल से आपके की जीवन शैली बदलने वाली है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधियों सबको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या और भी कोई हेल्थ टिप चाहते हो जिस पे हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहें।